हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनी को एनालाइज करने वाला हूं जो कि पेपर सेक्टर से बिलोंग करता है। जी हां, कहने को तो ये माइक्रो कैप है, बट क्या इसमें ये इतनी हिम्मत है कि ये एक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकता है या फिर एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है? जी हाँ, इसका फंडामेंटल क्या कहता है, इसका टेक्निकल क्या कहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्रमोटर का कितना भरोसा है इस कंपनी पे, रोज क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहती है, क्या इस कंपनी में डेट है या नहीं, या फिर ये एक मार्केट लीडर इस सेक्टर में बन सकता है या नहीं। जी हाँ, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना फ्रेंड, एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, क्योंकि हम आपके सामने ऐसे ही स्टॉक, ऐसे ही कंपनी लेकर के आते रहते हैं जिनके बारे में शायद आपने ना सुना हो या जिनके बारे में आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हो। एक अच्छी कंपनी आपसे मिस हो रही हो, आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनी शामिल होना चाहिए, इसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो के एंड में डिसाइड करेंगे क्या अभी बाई करना है या बाद में, बाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को इससे दूर रखना चाहिए या पोर्टफोलियो में इसे शामिल करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड, उस कंपनी का नाम है आंध्रा पेपर। जी हाँ, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा या बहुत लोगों ने नाम नहीं भी सुना होगा। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा बहुत स्नैप लेते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है, स्टॉक पी क्या है, रोज क्या है, पिछले 5 साल का सेल्स क्या है, पिछले 7 साल का ग्रोइंग क्या है, राइट? इन सब के बारे में हम लोग अभी विस्तार में जानेंगे। मार्केट कैप की बात करूं फ्रेंड, तो इसका मार्केट कैप है 2,350 करोड़ का। जी हाँ, बट स्टॉक पी की बात करें तो इसका स्टॉक पी है लगभग 7, मतलब 7 का पी है, 7 का पी। एंड उसके बाद इसका जो करेंट प्राइस है वो है 591 एंड जो बुक वैल्यू है वो है 476। अगर करेंट प्राइस एंड बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यू जान पड़ती है, या फिर स्टॉक पी से भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा 7 कि एक एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड कंपनी है। रीजन क्या है ये भी जानेंगे। क्या FII की एंट्री हो चुकी है इसमें या अभी तक नहीं हुई, इन सब के बारे में फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपनी डेट फ्री है या नहीं। तो जी हाँ फ्रेंड, कंपनी डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। जिस भी कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं होता उसका ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट है कि इस कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। आइए चलते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग को देखते हैं कि भैया क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हमें ये सारी चीज़ें जानने के लिए, देखने के लिए मिलेगी, प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, FII की एंट्री कितनी बनी है, DII कितना होल्ड करता है, इन सब के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो फ्रेंड कि प्रमोटर सितंबर 2021 में 72.20 था, जबकि वो बढ़ करके जून 2024 में, जी हाँ रिसेंटली पिछले महीने तक का डेटा है, 72.31% बढ़ा है। कम होने के बजाय ये बढ़ा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रमोटर का अपने इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फेथ है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, करने वाला है, राइट? FII की बात करें तो सितंबर 2021 में FII ने इस कंपनी में कोई भी होल्डिंग नहीं ले रखा, कोई भी शेयर्स नहीं ले रखा था। जी हाँ, अब ये होल्डिंग बढ़ते बढ़ते सितंबर 2021 में जहाँ FII के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था, अब जून 2024 में इसके पास 2.31% शेयर होल्डिंग है। जी हाँ फ्रेंड, अब FII भी इस कंपनी में भागीदारी ले रही है। DII की बात करें तो DII फ्रेंड अपना होल्डिंग कम किया है। सितंबर 2021 में इसके पास 12.26% ऑफ शेयर होल्डिंग था, वहीं जून 2024 में 2.60, मतलब ये कंपनी फ्रेंड 2006 में लगभग 100 रुपये की थी, 3-4 साल बाद फिर से ये लगभग 500 की हुई, एंड उसी रेंज में अगले 6 से 7 साल तक घूमता रहा, राइट? उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला जब ये 600 तक पहुंचा, एंड देन फिर उसी रेंज में अभी घूम रहा है। बट FII की एंट्री देख करके हम लोग ये कह सकते हैं, प्रमोटर की एंट्री देख करके ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट? सेम सिनेरियो हम लोग अभी बात करेंगे जब हम लोग टेक्निकल चार्ट पे फोकस करेंगे कि एंट्री प्राइस क्या बनता है, एंड इसका ग्राफ, मतलब अगर ये कंसिस्टेंटली इसका रोज 20% से ज़्यादा है
तो इसका प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए अगले 1 से 1.5 सालों में। राइट, तो प्रमोटर होल्डिंग के बारे में हमने देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो बढ़ा है, FII की एंट्री बढ़ी है, एंड DII ने प्रॉफिट बुक किया है जो कि टेक्निकल चार्ट में हमें साफ दिखाई देता है। राइट, चलिए अब चलते हैं रेशियोज पे एंड बात करेंगे रोस पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी पिछले 10 सालों का, मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं था। 2014 में -1% का रोस था, बट 2017 के बाद इसने जो पीक पकड़ा, मार्च 2024 में इसका जो रोस है वो 25% का है, 2023 में 51% का, 2022 में 18% का, मतलब ये कंसिस्टेंट अच्छा ग्रोथ दे रहा है, अपने मार्केट लीडर से कंधे पे कंधा मिला करके प्रॉफिट दे रहा है। एक होप जग रहा है जिस तरह से प्रमोटर ने एंट्री की, जिस तरह से FII ने एंट्री की, जिस तरह से इसका रोस बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दे सकता है, शेयर होल्डर्स को खुशी दे सकता है, शेयर होल्डर के वेल्थ को ये काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड कर सकता है। जी हाँ, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिटर्न की, डिविडेंड की एंड सेल्स की। पिछले 5 साल का सेल्स की बात करें तो ये 5% का अभी तक अप्रॉक्स सेल्स ग्रोथ दिया है, बट पिछले साल इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी डामाडोल रहा, -14.2% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा फ्रेंड। बट यहाँ देखने वाली और अचंभित करने वाली बात ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल का अप्रॉक्स 20% यानी कि 19.6% के आसपास है। जी हाँ, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ध्यान देना चाहिए कि इसका फेस वैल्यू अभी तक 10 है फ्रेंड। जी हाँ, सो अगर हम लोग इसके मार्केट कैप एंड नेटवर्थ को कंपेयर करें तो मार्केट कैप 2,350 करोड़ का है, नेटवर्थ लगभग 1900 करोड़ का, 1900 करोड़ का है। अब बात करें कि इनके डिफरेंस का, तो जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता रहा हूँ एंड पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि किस तरह से अंडर वैल्यूएशन इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं, तो एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है, मतलब जो अर्निंग आ रही है उसके हिसाब से अभी तक इसे ग्रोथ नहीं मिला, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसके पास उस हिसाब से अभी इसे ग्रोथ नहीं मिला है फ्रेंड। डिविडेंड की बात करें तो लगभग पिछले साल ये 2% का डिविडेंड दिया, तो एवरी ईयर लगभग अराउंड 10% के अप्रॉक्स डिविडेंड ये देता रहा है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम लोग इक्विटी ग्राफ की, ये मैक्स इक्विटी ग्राफ है फ्रेंड, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2006 में लगभग 100 रुपीज़ का था, एंड वहीं अभी जो इसका प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 600 रुपीज़ का इसका प्राइस चल रहा है। बट पिछले 3 सालों में जो इसने रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, जो इसका ROE है उसको देखते हुए हम अप्रॉक्स 45 डिग्री का एंगल लेकर के चल सकते हैं, एंड जो इसका 45 डिग्री कहता है वो ये कहता है कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में लगभग ये 1200 टू 1400 का टारगेट दे सकता है। एंट्री के लिए अभी मैं बता दूं कि करेंट ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, जैसे ही ये लगभग 625 को क्रॉस एवप करता है हमें इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, लगभग 75% फंड जो भी आप डिप्लॉय करना चाहते हो इसमें ले सकते हो, एंड उसके बाद जैसे ही ये 650 क्रॉस एवप करे हमें अपना बाकी का फंड डिप्लॉय कर देना चाहिए। इन केस अगर इसमें डाउनसाइड आता है, अगर ये इन केस 550 आता है तो 50% आप फंड डिप्लॉय कर सकते हो, एंड रिमेनिंग 50% अगर ये 500 पे आता है तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। जी हाँ, तो ये रहा आंध्रा पेपर का आज का पूरा एनालिसिस। आप अपने तरफ से भी एक बार एनालिसिस कर लेना, आपका सहमति और हमारा सहमति मिले तो इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेना फ्रेंड। एसेट कंपाउंडर एकेडमी की तरफ से आने वाले टाइम में ये अच्छा ग्रोथ दे सकता है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर का प्ले रोल कर सकता है। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।